इसराइल को तो हम मानते ही नहीं है, तो इसराइली एक बॉडी बिल्डर इंडिया आया और वो कृष्णा का भक्त बना, ऐसा क्यों हुआ और उन्होंने क्या चीज देखी कृष्णा में? खैर मुझे तो इतना पता नहीं है, इसलिए आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या चीजें जो उनको इंस्पायर कर गई। देखिए, आप तो वहां भी नहीं मानते, आप तो शिया नहीं मानते, आप तो अहमदी नहीं मानते, आप तो बोरी नहीं मानते, आप तो हिंदुओं की मंदिर की आस्थाओं को नहीं इज्जत करते, आप तो चर्च के विश्वास को नहीं इज्जत करते, आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में आप जो सुन्नी मुसलमान है वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, अपने आप को ही खुदा समझ बैठे हैं, और जो कि कुरान पर भी चलने को मंजूर नहीं कर रहे हैं। आज अगर पाकिस्तान कम से कम कुरान पे भी चला होता तो शायद ये फाकाकशी की हालात ना हुई होती। आज अगर पाकिस्तान ने कुरान को भी फॉलो किया होता तो ये भिखारियों की औकात ना हुई होती और जिहादियों की इतनी पैदावार ना हुई होती। कुरान के सिर्फ उस पन्नों को पाकिस्तान मानता है जहां पर जिहाद की बातें बताई गई है और जहां पर ठगबाजी निकालने की बातें बताई गई है, जहां पर वुमेनाइजर की बातें बताई गई हैं, जहां पर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने की बातें मर्दों को बताई गई हैं, उसी पन्नों को सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों ने पढ़ा है, मुसलमान मर्दों ने पढ़ा है। और इसी का रीजन है कि आज औरतों को वो लोग एड़ियों के नीचे रखते हैं और महिलाओं को सिर्फ अपने अपने सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने का सामान समझते हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बॉडी बिल्डर जो इसराइल से आया, और इसराइल एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो इस्लाम है वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है इसराइल में, इसके अलावा 47% माइनॉरिटी है इसराइल में। इसराइल हमेशा से बहुत जाना माना रहा है और 2016 से इसराइल और इंडिया के रिलेशंस बहुत बहुत ही अच्छे रहे हैं। अब इसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फॉरेन 2016 में फॉरेन मिनिस्टर हमारी सुषमा स्वराज जी थी, भगवान उनको स्वर्ग दे, उन्होंने भी इसराइल विजिट किया था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री 2017 में इसराइल विजिट किए थे, जो काफी सालों के बाद एक पहला प्रधानमंत्री था श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जिन्होंने इसराइल को विजिट किया था। इसके बाद फिर मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसराइल के साथ हुए हैं, वाटर कन्वर्सेशन इन इंडिया, उसके बाद स्टेट वाटर यूटिलिटी रिफॉर्म इन इंडिया, उसके बाद डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3 ईयर वर्क प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर 2018 to 2020, प्लान फॉर कॉपरेशन रिगार्डिंग एटॉमिक क्लॉक, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था कॉपरेशन ऑफ जियो लियो ऑप्टिकल लिंक, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक परिपल्शन ऑफ फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स। बहुत सारे रिलेशन बायलेटरल और ट्रेड रिलेशन भी मोदी जी के गवर्नमेंट में आने के बाद इसराइल के साथ हुए। अब बात यहाँ पर आती है कि 2018 में भी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट किया था और वो 4-5 दिन रह गए थे, उसके बाद भी उन्होंने मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज भी हमारे इंडिया के साथ किया, जिसमें वो बहुत खुश हुए, जो काफी पूरे के पूरे मतलब डेटा में निकाल करके यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोदी जी के साथ तस्वीर भी है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की। तो बहुत सारी चीजें हैं और कहीं ना कहीं अभी आप देख रही हैं, दुबई है, सऊदी अरबिया है, शारजा है, मिस्र है, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जो मोदी जी के काम से और उनके उनके जो संस्कार है उनसे वो लोग बहुत खुश है। अभी हालिया में G20 के समिट में जब दुबई के सऊदी अरबिया के शहजादे खुर्शीद साहब आए थे तो वो आपके यहाँ पाकिस्तान में 6 घंटे के लिए जाने वाले थे, पर उन्होंने इमीडिएट उसको कैंसिल करके हमारे यहाँ ही 4.5 दिन वो रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा अच्छा लग रहा था और यहाँ पर उनको बहुत एनवायरमेंट और जिस तरह से यहाँ की कल्चर और संस्कृति दिखाई जा रही थी वो उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। अब मैं कहती हूँ कि भगवद गीता ने बताया, अभी तुमने कहा कि मैं भगवद गीता की बहुत सारी बातें बताती हूँ, तो भगवद गीता ने पहले ही बता दिया था नॉलेज के बारे में, साइंस के बारे में, ब्रह्मा के बारे में, साइंस ऑफ योगा के बारे में। हमारे शिव जी ने बहुत पहले ही ये बात बता दी, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो 4,500 साल पुराना धर्म है, या अगर रहस्यों को खोला जाए तो उससे भी पुराने निकल जाएगा। तो
एक ऐसा धर्म सनातन धर्म जहां पर बहुत रिस्पेक्ट की बात की कही जाती है, नॉलेज की बात कही जाती है, साइंस की बातें कही जाती है, ब्रह्मा की बातें कही जाती हैं, और जिस हिसाब से हमने भगवत गीता में और बाकी जितने भी ग्रंथों में और वेदों में हमने पढ़ा है उसमें उसमें नॉलेज का भंडार है। मैं आपको एक इंसिडेंट और बता देती हूँ। एक चीज और खूबसूरत बात मैं सनातन धर्म की आपको बताना चाहती हूँ कि जब रावण ने सीता का अपहरण किया था अपना साधु का भेष बदल करके, तो वो सीधा गया कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण ने पूछा कि क्या तुमने सीता पर अपना अधिकार जताया है? तो रावण ने कहा कि वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है, वो तो मेरी तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाती हैं, वो तो चुपचाप बैठी रहती हैं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि रावण तुम तो कई रूप बदल सकते हो, तुम तो कई भेष बदल सकते हो, तुमने तो सीता का अपहरण भी किया था अपने भेष को बदल करके, एक साधु का भेष बना करके। तो कुंभकर्ण ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम राम का भेष बदल लो। तो रावण उस पर जवाब देता है कि कुंभकर्ण को कि कुंभकर्ण, जैसे ही मैंने राम का भेष बदला, इस पृथ्वी की सारी महिलाएं मुझे माता और बहनें दिखने लगी और मैं महिलाओं का सम्मान करने लगा। तो ये है सनातन धर्म, ये है सनातन धर्म की खूबसूरती, ये है सनातन धर्म का ऑरा। तो सनातन धर्म में जितनी भी बातें हैं और जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी श्लोक हैं, भगवत गीता के कई श्लोक आते हैं भगवत गीता, और ये भी जो मैंने आपको भगवत गीता का बताया है कि नॉलेज के बारे में बताता है भगवत गीता जो है, वो ब्रह्मांड के बारे में बताता है, साइंस के बारे में बताता है, ये चैप्टर 2 श्लोक नंबर 72 से आता है। तो ये जितना आप पढ़ेंगे, जैसे हमारे कुरान में वर्सेस होते हैं, सूरा नंबर होता है, पारा नंबर होता है, निस्फ होता है, अरबा होता है, उसके बाद सलासा होता है, तो उसी तरीके से रुकू होती है, उसके बाद फिर खत्मुल कुरान होता है, हमारे पूरे कुरान पाक में सिजदे होते हैं, जब हम कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें सिजदे भी होते हैं। तो उसी तरीके बिल्कुल उस तरीके से अगर उसको सिमिलर किया जाए तो उस तरीके से इसमें भी चैप्टर और श्लोक होते हैं। लेकिन एक तरफ कुरान है जहां पर इस्लामिक किताब है कुरान, उसमें जहां पर तलाक के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर हलाला के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर निकाह मुत्ता के बारे में बात कही जा रही है, जहां पर एडुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, जहां पर नॉलेज को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जब आप भगवद गीता पढ़ती हैं या ऋग्वेद पढ़ती हैं तो वहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, वहां पर एडुकेशन को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर कर्मा को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर नॉलेज को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर साइंस को बहुत महत्व दिया गया है, वहां पर योग को और योगा को बहुत महत्व दिया गया है। शिवजी ने कहा था डोंट फेयर विथ गॉड, फेयर विथ योर कर्मा, हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अगर नाजिया बहुत अच्छा काम कर रही है तो डेफिनेटली उसके आने वाली पुष्ट दर पुष्ट बहुत अच्छा देखेगी और नाजिया भी अच्छा देखेगी, लेकिन अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ तो वो मुझे धरती पर ही सह करके और बर्दाश्त करके जाना है। बट हमारा कुरान क्या समझाता है और हमारे मौलवी मुल्ला क्या समझाते हैं, अगर जन्नत जाओगे तो 72 वर्जिन हुरे मिलेगी जिसके साथ तुम सेक्स भी कर सकते हो और जितनी बार चाहोगे उतनी बार सेक्स करोगे, 135 फुट की होंगी, बड़ी खूबसूरत होंगी, वो वर्जिन होंगी, उनकी वर्जिनिटी ब्रेक नहीं होगी, आप वहां पर बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, और जो जहन्नुम चाहेगा उसको जलाया जाएगा, उसको तेल में तला जाएगा, उसको उसके अजगर लौटेंगे उसके गले में और उसके उसके बदन को बिच्छू खा लेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि कौन जहन्नुम से हो करके आया है, और अगर आया तो फिर वो ये सारी चीजें वीडियोग्राफी करके क्यों नहीं लेकर आ गया, उसको तो वीडियोग्राफी करके लेके आनी चाहिए थी। मैम ये सारी बातें कुरान तो नहीं कहता ना, ये सारी बातें तो मौल भी कहते हैं, और कुरान ने तो नहीं कहा कि आपको 72 वर्जिन घोड़े मिलेगी, कुरान तो नहीं कहता कि आपको चिकन को कोड़ा बनाया जाएगा। तो जब मौलवी कहते हैं तो हम ये जितने मुसलमान हैं वो उनकी बातों को आंख बंद करके क्यों मानते हैं, और अगर नाजिया इलाही खान इन बातों पर सवाल करती है तो फिर नाजिया इलाही खान को बागी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जाहिल है, जहालत से भरे हुए हैं, फिर ऐसे मुल्लाओं को मैं क्यों मानूं,
देखिए खुद को किसी एक पर्टिकुलर धर्म का स्कॉलर बोलना इतना आसान नहीं होता है। आपके पास सारे सवालों का जवाब भी होना चाहिए, तभी हम आपको पर्टिकुलर एक धर्म का स्कॉलर बोल पाएंगे। अदरवाइज फिर हम चिटिंगबाज ही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो हमारे इस्लाम धर्म में, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान मौलवी मुल्ला और मर्द हो, या चाहे हमारे हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला और मुसलमान मर्द हो, इन्होंने चिटिंग बाजी का और इल्यूजन का इतना बड़ा और ठरकबाजी का इतना बड़ा कारोबार खोल कर रखा है, जिसका बंद होना बहुत जरूरी है। अना मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ उन तमाम हिंदुओं के लिए भी जो खुद को हिंदू बोलते तो हैं, सनातनी बोलते तो हैं, लेकिन अपने नॉलेज से अपने आप को और अपनी आस्था से और श्रद्धा से अपने आप को स्थापित करना और ये घमंड करना अपने अपने आप पर के मैं सनातनी हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। आज हमारे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे हिंदू हैं जो बहुत सारे लोग पॉलिटिकल ग्राउंड को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपनी ही जात को गालियां दे देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि आपका फिर हिंदू होना ही लानत और मलामत है, जब आप अपने ही जात और धर्म को डिफेम कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं। मैं उस हिंदू को हिंदू मानती हूँ, मैं वो सनातनी को सनातनी मानती हूँ जिसके गले पर अगर तलवार भी रख दी जाए तो भी वो कहे कि मैं सनातनी हूँ और जैसे आराम का ही नारा लगाए, मैं उसको मानती हूँ। आप सोचो कि एक, हालांकि कुरान ने नहीं बताया है कि 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, लेकिन आप मुसलमानों को देखो कि वो, क्योंकि उनको मौलवी मुल्लाओं ने बता दिया है, तो वो ठरकबाजियों के चक्कर में, वो उस लालच के चक्कर में पता नहीं कितने बड़े बड़े गुनाह कर बैठते हैं और कितने लोगों की जान ले लेते हैं जिहाद के नाम पर, सिर्फ वो 72 वर्जिन हूर को ढूंढने के लिए। लेकिन अब यही मुसलमान जब उनको कहा जाता है तहज्जुद की नमाज पढ़ो, जब उनको कहा जाता है शबे कदर मनाओ, जब उनको कहा जाता है शबे कदर की रात को तुम जग करके इबादत करो, जब इन मर्दों को कहा जाता है कि लैलतुल कद्र की रात को रात में इबादत करना बहुत जरूरी है, तो आप देखना, आप अपने पाकिस्तान में भी चेक करो, और मेरे हिंदुस्तान के बारे में मैं बता सकती हूँ कि कब्रिस्तान के नाम पर सारे लड़के बाइक और गाड़ी लेकर के निकल करके सिर्फ आवारा गर्दी करते हैं, मुसलमान लड़के। आप मुसलमान मर्दों को नहीं देखिएगा कि घर में बैठ करके मुसल्ला बिछा करके लैलतुल कद्र में या शबे कदर में या ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रातें आती हैं रमजान में, तो उसमें वो बैठ करके इबादत कर रहा है, नहीं करता है। वो बाइक और गाड़ियां लेकर के धड़ल्ले से सिर्फ अय्याशी करता है और उसके बाद फिर सिर्फ आवारा गर्दी करता है। तो क्या इस्लाम को संभालने का काम सिर्फ मुसलमान औरतों पर है या मर्दों पर भी है? देखिए, अब बात आती है कि जिस बॉडी बिल्डर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कृष्ण के भक्त हो गए हैं, तो कृष्ण का भक्त होना बहुत लाजमी है। 64 ऐसी क्वालिटीज है जिसके बारे में मैंने पढ़ी है कृष्ण की लीला। कृष्ण भगवान ने देखिए हर एक एज में एक मिसाल कायम की है। जब वो बचपन, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो नटखट अंदाज इतना ज्यादा उनका रेनाउंड और इतनी बड़ी मिसाल है कि आज छोटा से छोटा बच्चा भी जब बहुत ज्यादा शरारती होता है तो उसको यही कहा जाता है कि देखो कृष्ण की तरह कर रहा है, कन्हैया की तरह कर रहा है। जब वो जवान हुए तो उनका जो एक ऑरा था, उनका जो कृष्ण भगवान का जो एक अट्रैक्शन था जिससे सारी गोपियां उनसे अट्रैक्ट हो जाती थी। तो जब भी कोई नौजवान लड़का, यंग लड़का जब बहुत ज्यादा प्रेम लीला में रहता है तो कहा जाता है देखो कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। और जब विश्व की बात आती है, जब उनके एम्पावरमेंट की बात आती है, जब उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, तो जिस तरह से उन्होंने कर्तव्य अपना निभाया था और जिस तरह से वो अपने अपने पूरे धर्मा के लिए वो खड़े हुए थे, तो ये बात भी कहा जाता है कि देखो इसके अंदर तो कृष्ण का रूप है भाई, ये तो अपने 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 कर्तव्य के लिए कितना कितना मतलब खड़ा है, एकदम बिल्कुल एक पैर पर खड़ा है और अपने कर्तव्य को निभा रहा है, जैसे लग रहा है कि देखो कृष्ण का रूप है। तो हर एक स्टेज में भगवान कृष्ण ने एक मिसाल कायम की है, बचपन से लेकर के उनके उनके उम्र के आखिरी दिनों तक उन्होंने एक मिसाल कायम की है और आज तक इन बातों को दोहराया जाता है, आज तक इन बातों को कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान की लीला ही ऐसी है, कृष्ण भगवान के का ऑरा ही ऐसा है, कृष्ण भगवान का चार्म और करिश्मा ही ऐसा है कि लोग उनके भक्त होने के लिए और उनको मानने के लिए
बिल्कुल मतलब बाहें फैला करके एक्सेप्ट करते हैं और उनके भक्त हो जाते हैं। राधे श्याम जो है उनका भक्त आज पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। राधे कृष्ण की जो जोड़ी है वो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। राधे श्याम और राधे कृष्ण को जो लोग ये याद करते हैं वो बहुत मोहब्बत भरे लफ्जों से याद करते हैं, बड़ी मोहब्बत और खूबसूरत अल्फाजों से याद करते हैं। कभी भी कोई कटाश या कड़वापन मुंह में नहीं आता है, बड़ी बड़ी मुस्कुराहट से लोग राधे श्याम को याद करते हैं। तो आज जितने भी हम लोग पेरिस लंदन वगैरह में भी देखते हैं कि राधे श्याम के भक्त हैं ये लोग, बड़ा नाचते गाते हुए चलते हैं, तो वो भी वही है। तो इसी तरीके से इसराइल का ये बॉडी बिल्डर भी सनातन धर्म से अट्रैक्ट हुआ और कृष्ण भगवान का वो भक्त हुआ और उसने कृष्ण भगवान के लिए अपने अपने रिलीजन को कन्वर्ट किया। बिल्कुल सही मैम, आपकी बातों से मैं सहमत भी हूँ। आपने जिस तरह से इस्लाम को डिफाइन करते हुए कहा कि भाई 72 वर्जन कूड़े जो हैं वो मौलवी मुल्ला जो है वो हर आने वाली जो मर्द यूथ है उनके अंदर डाल चुकी है, तो इस बात से मैं एग्री करती हूँ। क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं आता, मैं ढूंढ रही थी मोबाइल पे स्टेटस किसी ने लगाया हुआ था, लड़के ने मेरे यूनिवर्सिटी फॉलो में, तो उसने स्टेटस लगाया हुआ था कि या अल्लाह 72 तो एक कम दे दे मुझे ऊपर, लेकिन अभी मुझे एक दे दे। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि हर मर्द हर लड़के के दिमाग में ये है कि हमें ऊपर जाके 72 मिलनी है। तो एक वो मजाक में उसने लगाया हुआ था कि 72 के ना दई 71 दे दई, लेकिन एक अभी जमीन पे दे दे मुझे। मतलब ये उसने मजाक में लगा हुआ, तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए। और इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ, बट ये बात मैं 100% कहती हूँ, आप भी ये बात मान दिए कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, और कुरान में जिन चीजों का जिक्र नहीं भी है उन चीजों को उन्होंने बताया। मैं आपकी इस बात को मान रही हूँ कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है, पर क्या हमें ये हिम्मत पैदा नहीं करनी चाहिए मौलवी मुल्लाओं का पर्दाफाश करने का? उनके चेहरे पर जो उन्होंने झूठा नकाब लगाया हुआ है, क्या उनका पर्दाफाश करना जरूरी नहीं है? क्या उन्होंने जो झूठ लगाया हुआ है क्या उसका पर्दाफाश करना जरूरी नहीं है? क्या ये नौजवान जो अपनी जिंदगी, मुसलमान नौजवान लड़के जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को रिस्क पर डाल करके ना जाने कितने पाप और कितने मर्डर और कितने मोलेस्टेशन और कितने धर्म परिवर्तन कर देते हैं, कितने कितने बलात्कार कर देते हैं यही 72 वर्जिन गुरुओं के लालच में? तो ये जो एक इल्यूजन की स्टोरी जो फैलाई गई है, जो मौलवी मुल्लाओं ने फैलाया है, जो ये एक झूठी कहानी जो मौलवी मुल्लाओं ने फैलाया है, क्या इसको नंगा करना जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट मैम टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर बाहर निकल के आपके मतलब लाइव आपको लेके बाहर निकल के 4 इस्लाम के सवाल पूछूंगी, किसी यूथ में से किसी को नहीं पता। तो इन लोगों को इस्लाम का पता ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी भी बात करूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा और इस्लाम का दीनदार नहीं कह रही, मैं भी अगर अपनी बात करूँ तो मुझे चंद चीजों का पता और चंद चीजों का नहीं पता। चंद चीजें वो पता है जो कि हमारे आपको तो जुम्मे का खुतबा होता है और मौलवी साहब लाउडस्पीकर में बोलते हैं तो हम भी सुनते होते हैं। तो मतलब अगर आप पढ़ते हो तब आपकी ज़हनियत खुलती है, अगर आप नहीं पढ़ते जो आपको बताया जाता है आपको तो वही पता होगा। तो ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ये लोग जाहिल लोग हैं। मैं इन लोगों को साफ लफ्जों में कहूंगी कि पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, अदरवाइज अगर हम किताबें अगर हम कहते हैं कि दुनिया में रहने के लिए किताबें जरूरी है, इलम सीखना चाहिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी का पता चले, तो मुझे लगता है कि जहां हमें किताबों की जरूरत है वहां हमें इस्लाम को भी सीखने की जरूरत है। क्योंकि हम इस्लाम को तो सिर्फ 4-5 कलमों में डिफाइन कर लेते हैं, सूरत कौसर सूरत मतलब यासीन को पढ़ लेते हैं, कुरान को वैसे बामाइनी नहीं पढ़ते वैसे पढ़ लेते हैं, हमें लगता है कि हमने दीन सीख लिया, लेकिन मुझे लगता है कि दीन इस तरह नहीं सीखा जा सकता, मौलवियों के बयान से नहीं सीखा जा सकता। एक और बात बताना चाहूंगी अनम, एक तो सबसे इलम नहीं होता है, इल्म होता है, ठीक है? क्योंकि उर्दू मैं जानती हूँ और अरबी तो मैं बड़े कमांड से बहुत फ्लो में बात कर सकती हूँ। अरबिक में मैं उर्दू पर्शियन अरबिक लिखना पढ़ना बोलना सब जानती हूँ। तो इल्म नहीं होता है, इल्म होता है, आप लोग बाहेर बोलते हैं, बाहेर नहीं होता है, बाहर होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने तो अपने इंडिया में मुसलमानों को मतलब एकदम सही तरीके से पूरा जांच परख लिया है, तभी मैं मैदान में उतरी हूँ ये झूठ का पूरा पोटरा खोलने के लिए। पूरा का पूरा ये जो पोटरा मैं खोल रही हूँ, क्योंकि मैं पूरे तरीके से रिसर्च करके हर एक तरीके से जांच करके समझ करके तब मैं ये पोटला खोल रही हूँ, सारी झूठी चीजें निकाल रही हूँ। आप पाकिस्तान में जब भी आप रोड पर जाकर के अपने इंटरव्यूज कीजिएगा ना, आप मुझे सिर्फ 7 कलमा, पूरा कंप्लीट 7 कलमा कोई मुसलमान मर्द से पूछिएगा वो पढ़ के नहीं सुना पाएगा, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। बिल्कुल आई एग्री,
और जो लोग साथ कलमा नहीं जानते हैं वो हमें समझाते हैं, मुझ जैसी एडुकेटेड महिला को समझाते हैं कि इस्लाम क्या होता है। तो ऐसे चिटनबाजों की लुंगी खोलना नाजिया इलाही खान को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है। ये जो इस्लाम को मिसयूज करके, ये जो इस्लाम के नाम पर ये जो इतनी लग्जेरियस लाइफ जी रहे हैं और सीना ठोक करके महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, इसको खत्म करने की जरूरत आन पड़ी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है। बिल्कुल सही मैम। अगला मेरा सवाल है आपसे, मायापुर में इस कौन ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये बॉडी बिल्डर गए थे, और उसके मतलब इस कौन में अगर हम देखें मायापुर में सबसे लार्जेस्ट मंदिर दुनिया का जो बनाया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है कि इन्होंने क्या सोच कर इस्कॉन के अंदर जो है मंदिर को डेवलप करना चाहा, और वो भी दुनिया का लार्जेस्ट मंदिर। मैं यहाँ जहाँ पर बैठी हुई हूँ ना, यहाँ से मात्र 3.5 घंटे का रास्ता है मायापुर का इस्कॉन मंदिर, सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे का रास्ता है। इसलिए मैं तब भी आपसे जो हमने सेशन किया है उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं इस्कॉन टेम्पल जाया करती थी, जिसके लिए मुझे वहां पर 5 बजे 4:30 बजे के करीब पहुंचना पड़ता था। तो एक तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि बहुत फॉरेनर्स जो होते हैं वो भक्त होते हैं वहां पर, बहुत फॉरेनर। जब आप मायापुर एंटर करेंगे इस्कॉन टेम्पल तो वहां पर बहुत भक्त मिलेंगे आपको, फॉरेनर्स। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऑलरेडी पहले से एक बहुत खूबसूरत पूरी शीशे से बनी हुई, पूरी नक्काशी से बनी हुई, पूरे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्ट है उसका मतलब इतना खूबसूरत है कि भैया उसके सामने ताजमहल फेल है वो इस्कॉन टेम्पल के सामने। इतना खूबसूरत बना हुआ है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इस बार जब भी कभी इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी मैं जरूर उसकी वीडियोग्राफी करके आपको मैं जरूर भेजूंगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ ना कि मैं जरूर दूंगी आपको, ताकि आप पूरे पाकिस्तान को दिखाइए कि कितना खूबसूरत मेरा इस्कॉन टेम्पल है। और अभी जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल मायापुर में बन रहा है वो उसी को एनहांस किया जा रहा है, उसी को एनलार्ज किया जा रहा है, और उसी को और खूबसूरत करके बनाया जा रहा है। देखिए हालिया में ऋषि सोनक जी ने इस पूरी दुनिया को एक चीज बता दिया। एक तो उन्होंने कहा ही है कि वो प्राउड हिंदू है, वो मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि सिर्फ हिंदू खुद को बोल लेना वह हिंदुत्व नहीं होता है, सनातन नहीं होता है। ये प्रूफ करना और हर एक जगह पर खड़े होकर के अपने ऊपर प्राउड फील करना कि मैं सनातन धर्म से हूं, वही सही सनातनी होता है। तो इस बार ऋषि सोनक जी ने एक चीज तो भाई साहब पूरे दुनिया के सामने रख दिया कि भारत में ताजमहल के सामने फोटो खिंचाने से कोई मेमोरी नहीं बनती है, अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के दीप जलाने से मेमोरी बनती है, अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के पूजा और अर्चना करने से मेमोरी बनती है, भारत में आने के बाद, भारत की सरजमीन पर आने के बाद अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के माथा टेकने से मेमोरी बनती है, अक्षरधाम के मंदिर में जाकर के अपनी अर्धांगनी के साथ जो पूजा अर्चना उन्होंने की है, जो मेमोरी उन्होंने बनाई है, वो उनके उनके साथ पूरी जिंदगी रह जाएगा, पूरी जिंदगी। और उन्होंने ये जिस तरह से उन्होंने पूजा दी है अपनी अर्धांगिनी के साथ, पूरे श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ, और जिस तरह से वो भगवान के सामने अपने माथे को टेक रहे थे, वो उन हिंदुओं को जग जाना चाहिए जो अपने ही हिंदू धर्म को मलाइन करते हैं, जो अपने ही हिंदू धर्म को अपनी पर्सनल लालच में डिफेम कर देते हैं, या उनके मुंह के सामने कोई हिंदू धर्म को गलत बोलकर निकल जाता है और वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं बार बार कहना कहती हूँ कि देखिए सनातन धर्म वो धर्म है जो राम की जाप में माला जपना भी जानता है, और जब जरूरत पड़े इस भारत के लिए तो भाला उठाना भी जानता है। मैं बार